तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ छत के ऊपर और आप देख रहे होंगे कि आज मैं अंडे लेके और रैन हारेडी छत के ऊपर है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम चेक कर रहे थे विशाल, मुझे लग रहा है कि यार वो बैठी हुई है। वो देखो दोस्तों हो रही है ना, बिल्कुल बैठी हुई है। तो अभी मैं कहता हूँ चेक करते हैं क्या पता उसने अंडा दिया हो, और वो अंडा हम उठाएँ और बाकी अंडों के साथ रखते हैं। विशाल आराम से जाना, अंडा दिया हुआ है। देखो पीलू पीलू दोस्तों बहुत तंग कर रहा है यार आपको, ये चेक करें इसको दोस्तों। इसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। निकालो निकालो, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहता। अब हाथ नीचे करो दोस्तों। विशाल ना बहुत ज़्यादा डर रही है इससे। विशाल हाथ नीचे करें, कुछ नहीं कहती, मैं यकीन मानो कुछ नहीं कहेगी। हाथ आप हाथ नीचे करो, कुछ कहा मैं मेरी गारंटी, चलो हाथ नीचे करो कुछ। ये सिर्फ बोल रही है दोस्तों। विशाल ना विशाल बहुत ज़्यादा डर रही है। और ये देखिए ये बाहर निकल रही है, ये कह रही है मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है हरीम को बुलाना पड़ेगा। हरीम निकाल लेगी, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं निकालेगा, वो मेरे से ज़्यादा डरपोक है। नहीं नहीं डरती है दोस्तों। हरीम ना विशाल ना जैसे उसके पास गए तो शोर मचाना शुरू कर दिया। और क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं चला कि इतने दिनों से अंडे दे रही है, और सबके सब अंडे ना हमने कल परसों उठाए हैं, तो दो दिन में अंडे उठाए हैं सारे। तो अब ये आज इसने नया अंडा दिया हुआ है, कोशिश करें ये भी उठाएं, अंडों में रखें, और जैसे ही कड़ूक हो तो अंडे इसके नीचे रखते हैं हम लोग। तो विशाल उठा लो। नहीं दोस्तों मुझे लग रहा है हरीम को बुलाना पड़ेगा, या मुझे खुद ही ना इसके नीचे से उठाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों मैं खुद ही जाता हूँ इसके अंदर और देखते हैं दोस्तों। उठाने क्यों नहीं देती यार? उठाने देगी, उठाने का कोई चक्कर नहीं है इतना। दोस्तों मुर्गी है ना, देखूँ वाह माशाल्लाह। दोस्तों देखिए इसने ना माशाल्लाह अंडा दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अंडा हमने ना निकाल लिया, मुझे दे गर्म है ये दोस्तों, लग रहा है अभी ना थोड़ी देर पहले ही अंडा दिया है। और सैंडीमैन को दोस्तों हमने ना इन दोनों को खुला छोड़ दिया है कि रूटीन से ना ये दोनों ना सैंडीमैंडी और पीलू और कल्लो ना ये खुले रहेंगे छत के ऊपर। बाकी चीज़ें ना हम शाम को खोलते हैं जब हम खुद छत के ऊपर होते हैं, क्योंकि दोस्तों बिल्ली का ना बहुत ज़्यादा मसला है। और यहाँ पर ना दो बिल्लियाँ आती हैं और कोई पता नहीं कोई भी हमारे पेट्स पर हमला करे और हमारे पेट्स ले जाए। विशाल चले नीचे दोस्तों, जल्दी से ना ये अंडा हम रख के आते हैं अपने, बाकी जहाँ अंडे पड़े हुए ना वहाँ रख के आते हैं। दोस्तों रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बजीज थे ना, बाकी सारे परिंदे दोस्तों वो भी बिल्कुल सेट हो गए हैं। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों हमने ना इसके ऊपर लगानी है शीटें लगानी है ताकि गर्मी नीचे कम से कम हो। विशाल ये लो, ये आपका हुआ, ठीक है? ठीक है। आज दोस्तों बड़ा ही ज़रूरी काम कर रहे हैं और अभी जाता हूँ छत के ऊपर, और आज का जो काम है ना बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों। सैंडीमैंडी ऑलरेडी बाहर निकली हुई है, और इस चूज़े को दोस्तों जैसे कि आपको बताया था कि इसको ना बाकी चीज़ों ने मारना शुरू कर दिया, तो इस चूज़े को ना हमने अलग अपने गेज में रख दिया। तो दोस्तों अंडे आज मैं ले आया हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी जो कल्लो मैडम थी ना मुर्गी दोस्तों वो ना कुड़क हो गई है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और उसके बाद ना वापस अपने केज में चली जाती है और बैठ जाती है आराम से। तो रैन खोल दो, पीलू को भी खोलो। और दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पीलू अलग करूं या उसके साथ छोड़ दूं। आराम से आराम से दोस्तों, इनको देखो ये तो ना पागल हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पागल हो जाते हैं ये। तो पहले ना मैं इनकी खुराक डालूँ दोस्तों। ये देखो यार ये तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं सारे। और मुझे ना ये भिगी हुई रोटी है दोस्तों, और मिशाल लेके आ रही है पालक है आपके पास? हाँ मिशाल के पास पालक है दोस्तों। ये उनका ना हमने सॉफ्ट फूड भी तैयार कर दिया है। और तो दोस्तों रायन ना पहले रोटी और बाजरा जो था ना हमने फीड जो थी वो रख दी है, और पालक भी ना आज इनको पालक भी डालते हैं। रायन पालक भी इनको डाल दो यार, ये बड़े शौक़ से खाते हैं पालक। आ जाओ आ जाओ, ये देखो दोस्तों पालक बड़े शौक़ से खाते हैं ये लोग। और दोस्तों पालक भी ना हमने इनको डाल दिया। सैंडी मंडी शोर कर रही है, इनको भी इनका इनका भी खाना ना उनके घर के पास रख दो दोस्तों। ये यहाँ पे आएंगी ना तो पीलू इनको मारेगा, तो पीलू से बचने के लिए ना इनका खाना हम इनके केज के बाहर रखते हैं दोस्तों। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारी हो गई हैं दोस्तों, रोज़ डुबकियाँ लगाती हैं इस पानी के अंदर, और अब ना माशाल्लाह के कलर भी बड़े अच्छे हो गए हैं। रायन उनका खाना वहाँ रखा है, फिलहाल ऊपर रख दो जब तक ये ख़त्म नहीं करते हैं दोस्तों। जब तक दूसरी टीम खाना ख़त्म नहीं करती ना, हम सैंडीमैंडी खाना नहीं खा सकती दोस्तों। तो अभी ये शायद पानी के अंदर डुबकियाँ लगाएं, और ये देखें दोस्तों बड़े ही ना गुस्सा करती है जब ये छोटी चूज़े जो है ना छोटा वहाँ चूज़ा गैंग जो है इनके पास जाता है।
तो दोस्तों इन्होंने भी ना पालक खाना शुरू कर दिया और बहुत पसंद कर रही है। दोस्तों हमारा जो कॉकटेल का जोड़ा था ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, इसको भी चेक करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जोड़ा है ना, इसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है काफ़ी टाइम से। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो बजीज फौज है दोस्तों वो भी ना सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ऊपर रयान ना नेस्टिंग लेके आ गया, थोड़ी नेस्टिंग तो हमारे पास है लेकिन ये नेस्टिंग दोस्तों और लाई है ताकि हम ना आज जो हमारी कल्लो मैडम है ना इसको नेस्टिंग बना के दोस्तों और इसको ना अंडों पे बिठा दें। रयान आप नेस्टिंग कर लोगे ना इसकी, रयान काटेगी। रयान दोस्तों रयान ना बहुत ज़्यादा डरता है कि ये ना काटेगी, लेकिन मैंने इसको बताया कि ये अंडों के लिए अभी तैयार है, तो मतलब कि बैठेगी अंडों के ऊपर, तो इसलिए ज़रा सी ना इसको गुस्सा होता है। इनको देखो इनको कोई काम नहीं है, यार आप लोग यहाँ से चले जाओ। रयान ये सिर्फ एग्रेसिव होगी, थोड़ी सी ना ये आपको डराएगी और कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको यूँ करो कुछ भी नहीं कहती। दोस्तों रयान ने भी ना डरना शुरू कर दिया, ये कुछ भी नहीं कहती आपको। दोस्तों रयान ने ना डरना शुरू कर दिया कि मारेगी, ये सिर्फ बोल रही है कुछ भी नहीं कहेगी, यकीन मानो मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा इसको उठाओ। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के साथ ना रयान ने इसको बाहर निकाला यहाँ पे, और रयान का सर भी लग गया ऊपर निकाल दी। दोस्तों फिलहाल ना हमने मुर्गी को निकाल के यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे इसने ना अब शोर मचाना शुरू कर दिया है, इसको हमने यहाँ छोड़ा है और इसकी ना रयान नेस्टिंग बना रहा है। रयान ये रो, ये नेस्टिंग भी ना अच्छे तरीके से बना लो ताकि अंडे ना नीचे ना जाएँ उसके, ठीक है। तो दोस्तों रयान ना बड़े अच्छे तरीके से नेस्टिंग बना रहा है उनकी। तो दोस्तों फाइनली ना रयान ने यहाँ पे घास के लिए घास की नेस्टिंग कर दी है, और कल्लो मैडम ने ना बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया, चेक करें। और अब ना रयान मैं अंडे आपको देता हूँ और आप ना अंडे इस पर रख देना। तो दोस्तों अब ना हम सारे अंडे उठाते हैं और ये जाके ना रख देते हैं वहाँ पे। और मुर्गी ने ना दोस्तों मुर्गी को अंडे देख के ना बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। तो रयान ये ना आप अंडे वहाँ पे ना गोल गोल रख। रयान को ना मैंने अंडे दे दिए हैं, और इधर से सैंडी मैंडी ने और हमारी कल्लो मैडम ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। दोस्तों रयान के पास ना थोड़ा सा ये लकड़ी का बूरा पड़ा हुआ है, तो रयान कह रहा है मैं बूरा भी उसमें फेंकूंगा, तो अंडे से नीचे रखे हैं फिलहाल। और बूरा ना तो रयान ने ना दोस्तों सारा बूरा वहाँ फेंक दिया और अब ना अंडे उसमें रखने लगा। तो सारे अंडे रयान वहाँ पर रख दो। और मुर्गी ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, मुझे ना मेरी जगह पे छोड़ दो। और ये देखें कल्लो मैडम ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। और रयान ने दोस्तों आठ अंडे, कितने अंडे रयान? आठ हैं दोस्तों, आठ अंडे हैं हमारे पास, और ये आठ के आठ अंडे हमने दोस्तों वहाँ पे रखे और सबके सब अंडे वहाँ रख दिए। और रयान आ जाओ बाहर और कल्लो मैडम को ना छोड़ दो उसके अंदर। दोस्तों अभी जो मंजर देखने वाला होगा ना, मुझे लग रहा है कल्लो मैडम ना आराम से जाके बैठ जाएगी इसके ऊपर। रयान खोलो इसको, इसको खोल के ना अब पकड़ लो और नीचे उतार दो, या वो खुद ही आ जाएगी, छोड़ दो खुद ही आ जाए, खुद ही आ जाएगी वो। दोस्तों ये कल्लो नीचे उतरी और ना ये दोस्तों ये जा रही है अपने अंडों के पास दोस्तों। और अभी दोस्तों अंडों को देख लिया इसने और उम्मीद है कि अंडों पर बैठ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों वो सेटिंग कर रही है अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों उसने ना अंडों पे बैठ गया दोस्तों हमारी कल्लो मैडम। छुपा रही है अंडे, हाँ अंडे छुपा रही है, अंडे छुपा रही है ना दोस्तों। सारे के सारे अंडे आगे पीछे हुए हैं और वो कोशिश कर रही है कि सब अंडे ना उसके नीचे आ जाए। और दोस्तों वो अंडों को ना सेटिंग कर रही है कि अंडों को कैसे उसने अपने नीचे करना है दोस्तों। तो देखे दोस्तों सारे अंडे ना अपने नीचे कर, जो साइड पे है ना वो अपने नीचे कर रही है सबके सब अंडे। वो जो आखिरी अंडा जो था ना नीचे की साइड पे कर लिया दोस्तों, और ये ना दोस्तों बैठ गया वहाँ पे। रैन मुझे लग रहा है जगह कम तो नहीं है कहीं इसकी, क्या कहते हो आप? तो दोस्तों फाइनली ना कल्लो मैडम हमारी जो कल्लो मैडम थी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो ना अंडों पे बैठ गई, कुड़ुक होके अंडों पे बैठ गई है। और उम्मीद है इंशाल्लाह 21 दिन में कुछ ना कुछ अच्छे बच्चे निकालेगी ये। और दोस्तों ये देखो अभी मैं मास्टर केज के अंदर आ चुका हूँ, और हमारा ये वाला जो जोड़ा था ना दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर करता है क्योंकि इसके पार्टनर अंदर है। और दोस्तों ये छोटी चिड़िया ना इन्होंने काफ़ी टाइम से अंडे दिए हुए थे और हम इनको देख नहीं सके। और उसके अलावा दोस्तों हमारा एक जोड़ा ना इसके अंदर गया हुआ है दोस्तों, वो देखें ये एक हमारी तोती ना इसके अंदर है, मुझे लग रहा है इससे भी जाए अंडे दिए हुए हैं, लगते हैं अंडे दिए हुए हैं।
और हमारा जो चूज़ा दोस्तों आपको बताया ना, इसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया, इसको हमने ना यहाँ पे छोड़ दिया। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड वगैरह भी बिल्कुल ठीक है हमारे दोस्तों। मगरिब होने वाली है और मगरिब के बाद ना हम इनको अपने जितने भी पेट्स हैं इनको हम कर देते हैं बंद। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोजेक्ट पे हम थे, हमारे काम था कि हमने ना आज अपनी कल्लो मैडम को ना अंडों पे बिठाना, क्योंकि वो कल से मुझे लग रहा था कुड़ुक हो गई है। और ये देखें दोस्तों, पीलू ना हमारी डक्स को बहुत ज़्यादा तंग करता है दोस्तों। हाँ मज़े से बैठी है ना दोस्तों, वो देखें एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे आराम से बैठी हुई है दोस्तों। दोस्तों अजानें शुरू हो चुकी हैं और अब ना सबसे पहले हमने चूज़ा गैंग को बंद करना है। और मिशाल ना चूज़ा गैंग को पकड़ रही है और कुछ सिपाही उसके ये फिर रहे हैं दोस्तों। अब मुझे समझ नहीं आ रही पीलू को मैं ना कल्लो मैडम के साथ छोड़ दूँ या इसको अलग बंद करूँ। आज दोस्तों मैं इसको ना कल्लो मैडम के साथ छोड़ देता हूँ, कल्लो के साथ। और अगर इसने कुछ तंग किया तो इसको ना फिर मैं अलग कर दूँगा, अगर इसे तंग ना किया तो फिर ये उसके साथ रहेगा। और इसको भी मैं ना अभी बंद करता हूँ इसको भी, और चूज़े भी बंद हो जाए दोस्तों, चूज़ों को बंद करना है पहले हमने। चलो मैडमों जल्दी से ना अपने घर में चले जाओ। चलो 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 दोस्तों, मैं ना इनको बंद कर दूँ, अजानें काफ़ी टाइम से हो रही हैं। और चलो जाओ अंदर अंदर से, चलो 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 अंदर चलो, खाना आपका पड़ा हुआ है, खा लो खाना जल्दी से। दोस्तों फाइनली फाइनली हमारा काम हो गया ख़त्म। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखें। आज के लिए।